नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुलदीप। आज हम बात करेंगे इस ब्लॉग में स्पाईवेयर के बारे में, जिसको लेके पूरे दुनिया में अभी चर्चा है कि बहुत सारे चर्चित नामी हस्तियों का फ़ोन टैप हुआ है। उसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कैसे काम करता है एंड क्या क्या इससे अभी तक अपडेट हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इससे लेकर पहले भी विवाद हुआ है। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकारें तक इसको इस्तेमाल करती हैं और इसके ऊपर सवाल भी उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे भी किए हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल रूप से पेगासस खरीदी है या नहीं। हालांकि एनएसओ ने पहले खुद पर अपने लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और कंपनी दावा करती है कि वह केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही ये अपना सॉफ्टवेयर बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालांकि आरोपों को लेकर भी एनएसओ ने कुछ ऐसा ही दावा किया गया जो अभी रिसेंट में आरोप लगे हैं। सरकारें भी जाहिर तौर पर बताती हैं कि इसको खरीदने के लिए उनका मकसद जो होता है सुरक्षा का ही होता है, आतंकवाद को रोकना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसों को रोकना होता है। तो हम जानते हैं अभी कि कैसे काम करता है पेगासस। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया गया तो उस स्मार्टफोन का माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा एक काम होता है कि आपको एक कोई लिंक, सस्पिशियस लिंक भेजा जाता है। अगर उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है आपके इनक्रिप्टेड जो मैसेज होते हैं उनको तक भी पढ़ सकता है। जैसे इनक्रिप्टेड मैसेज में ये होता है कि आप जो कंपनी प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म वो भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन पेगासस क्या है कि ये सब मैसेज को भी पढ़ सकता है। पहला बार पेगासस का नाम 2016 में आया था। रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब इसकी जानकारी जो है संयुक्त अरब अमीरात के मानव अधिकार कार्यकर्ता अहमद मंजूर की बदौलत मिली। उन्हें क्या हुआ कि अचानक से कई MMS प्राप्त हुए तो उन्होंने फिर उसको एक टेक्नीशियन को एक तरह से लैब में दिखाया तो पता चला कि उनके फ़ोन में उनका आईफोन था तो उस पर कुछ मालवेयर जो लिंक, सस्पिशियस लिंक भेजे गए हैं, तो अगर वो क्लिक करते तो उनके सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला था। तो इसको ध्यान रखते हुए एप्पल ने एक अपडेट भी लॉन्च किया था इससे लड़ने के लिए। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की सरकार पर भी पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का केस आया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल मैक्सिको की सरकार ने मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकार और भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। मैक्सिको के जाने माने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार पर मोबाइल फ़ोन की जासूसी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर मैक्सिको की सरकार को इजरायल कंपनी एनएसओ ने इस शर्त पर बेचा था कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों और चरमपंथियों के खिलाफ करेगी। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि यह स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट और दूसरे संवादों का भी पता लगा सकता है। ये फ़ोन के माइक्रोफोन और कैमरा को एक्टिवेट भी कर सकता है। कंपनी का फेसबुक के साथ भी विवाद हुआ था। मई 2020 में एक रिपोर्ट में आरोप लगा कि एनएसओ ग्रुप ने यूजर्स के फ़ोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए फेसबुक की तरह दिखने वाली वेबसाइट का प्रयोग किया। समाचार वेबसाइट मदरबोर्ड की एक जांच में दावा किया गया है कि एनएसओ ने पेगासस हैकिंग टूल को फैलाने के लिए फेसबुक से मिलता जुलता डोमेन बनाया। वेबसाइट ने दावा किया इस काम के लिए अमेरिका में मौजूद सर्वरों का इस्तेमाल किया गया। बाद में फेसबुक ने बताया कि इस डोमेन पर अधिकार हासिल किया ताकि स्पाईवेयर को फैलने से रोका जा सके। हालांकि एनएसओ ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा करार दिया। इजरायली फर्म इससे पहले से ही फेसबुक के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। 2019 में फेसबुक ने आरोप लगाया था कि एनएसओ ने जानबूझकर व्हाट्सएप पर अपने सॉफ्टवेयर को फैलाया ताकि लोगों के फ़ोन की सिक्योरिटी के साथ समझौता किया जाए और व्हाट्सएप को एक तरह से डिफेम किया जाए। फेसबुक के मुताबिक जिनके फ़ोन हैक हुए उनमें पत्रकार और मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल थे।
सऊदी सरकार को भी इन्होंने सॉफ्टवेयर बेचा था, तो कंपनी पर सऊदी सरकार को भी सॉफ्टवेयर देने का भी आरोप है, जिसका कथित तौर पर पत्रकार जमाल खासमोजी की हत्या से पहले जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अल जजीरा के पत्रकारों की जासूसी का भी इन पे आरोप लगा है। दिसंबर 2020 में साइबर सुरक्षा के से जुड़े शोधकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने बनाए गए स्पाईवेयर से अल जजीरा के दर्जनों पत्रकारों और का फोन कथित तौर पर हैक किया और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाला गया। आरोपों के बारे में क्या कहती है एनएसओ की कंपनी? तो एनएसओ कंपनी हमेशा से यह दावा करती आ रही है कि यह प्रोग्राम केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। कंपनी के कैलिफोर्निया की अदालत में कहा था कि वह कभी भी अपनी स्पाईवेयर का उपयोग नहीं करती, केवल जो संप्रभु सरकारें होती हैं वो करती हैं। फेसबुक से जुड़े विवाद में कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा था, हमें अपनी तकनीक और क्राइम के और आतंकवाद से निपटने में हमने अहम भूमिका निभाई है और हमें गर्व है। एनएसओ और इस ये जो है अपने खुद अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता है। हमने कई बार साफ तौर पर भी कहा है कि एनएसओ का प्रोडक्ट केवल सत्यापित और अधिकृत सरकारी एजेंसियों को दिया है, वह स्वयं संचालित नहीं करता है। जब भी कोई पूछता है तो एनएसओ का यही जवाब होता है। और अभी इंडिया में भी सेम केस हुआ है कि बहुत सारे जो टॉप लेवल जो गवर्नमेंट लीडर हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका फ़ोन टैप हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पाईवेयर।